गरौंडा से बड़ी खबर है। योको और शराब ठेकेदार के बीच फायरिंग की गई। शराब की अवैध बिक्री को लेकर विवाद हुआ था। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर फायरिंग का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दे। गरौंडा से बड़ी खबर है, फायरिंग का मामला यहां पर सामने आया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर फायरिंग का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। गरौंडा से बड़ी खबर है, युवकों और शराब ठेकेदार के बीच फायरिंग का यह मामला। शराब की अवैध बिक्री को लेकर विवाद बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार पर दरअसल ठेकेदार ने फायरिंग की। यह आरोप ग्रामीणों का है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शराब की अवैध बिक्री को लेकर पूरा विवाद हुआ था। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता महेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। महेंद्र, आखिर विवाद का कारण क्या था और पुलिस ने कार्रवाई क्या की है? देखिए, पूरे विवाद के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो शराब की अवैध बिक्री है, जो रायपुरा गांव में की जा रही थी। इसी को लेकर जो है शराब के ठेकेदार और एक पुलिस कर्मचारी जो है रेड करने के लिए गए थे। इसी दौरान जो है उनकी कुछ ग्रामीणों के साथ झड़प हुई है, जिसके बाद यहाँ फायरिंग तक की नौबत आई है। हालांकि अभी तक जो है दोनों पक्ष एक दूसरे पर ही जो है फायरिंग करने का आरोप लगा रहे हैं। जहां तक पुलिस की कार्रवाई की बात है, पुलिस ने मौके से 3 खोल बरामद किए हैं और इस मामले की जांच कर रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका महन। तो पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। टीमों का गठन कर दिया गया है। पुलिस मौके पर भी पहुंची थी मुआयना करने। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने फायरिंग की।